नमस्कार, मैं हूं देवांजलि मोइत्रा। 3 नवंबर को अमेरिका में चुनाव है और अब लड़ाई अंतिम दौर में। रिपब्लिकन और डेमोक्रेट दोनों पार्टियां आक्रामक रुख अपना चुकी और एक दूसरे पर जोरदार हमला बोल रही। उसी कड़ी में बराक ओबामा ने ट्रंप पर जोरदार हमला बोला और कहा है कि कोविड-19 से बचने के लिए जो बुनियादी सावधानियां रखनी चाहिए, ट्रंप ने वो नहीं रखी। देश में 8 महीने से ज्यादा समय हो चुका है और अभी तक कोरोना के रुकने के बजाय बढ़ता ही जा रहा है। ट्रंप हाथ पर हाथ धरे बैठे, इसके साथ ही साथ झूठ बोलने और दूसरों पर गलत इल्जाम लगाते रहते हैं। ट्रंप यही कर रहे हैं, वो अपने ट्वीट के जरिए साजिश रचते हैं। वो कहते हैं कि वास्तव में ओसामा बिन लादेन को हमारे नेवी सील कमांडो ने नहीं मारा था। देश को बांटने की साजिश की जा रही, इस अमेरिकी समाज के बुनियादी ढांचे पर असर पड़ रहा है। बराक ओबामा यही नहीं रुके और आगे कहा कि जिस चीन को लेकर ट्रंप बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उसी चीन के एक बैंक में ट्रंप का अकाउंट पाया जाता है। इस घटना से क्या लगता है कि ट्रंप चीन को लेकर गंभीर है और वो सबक सिखा सकते हैं? इसका जवाब है नहीं। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे जो बाइडेन और कमला हैरिस के समर्थन में बराक ओबामा ने भाषण दिया और उनके लिए वोट मांगे। वहीं कई सर्वे में ट्रंप के लिए बुरी खबर आ रही। इन पोल्स और सर्वे की भविष्यवाणी है कि बाइडेन के राष्ट्रपति बनने की संभावना 86% है। लेकिन सर्वे तो सर्वे होता है, जो कभी सही तो कभी गलत होता है। आपको याद हो तो पता होगा कि पिछले चुनाव में क्या हुआ था। हिलरी क्लिंटन काफी आगे चल रही थी, लेकिन अंततः जीत ट्रंप को मिली। यहाँ पर एक और जानकारी देते चले कि राष्ट्रपति चुनाव के साथ ही 438 सीटों वाले हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सेनेट की खाली हुई 35 सीटों के लिए वोटिंग हो रही, लेकिन ये सब अभी कोरी कल्पना। असली रिजल्ट तो 3 तारीख के बाद आएगा, जब ये ऐलान होगा कि कौन अमेरिका को आगे ले जाएगा और कौन नहीं।